एक झटका और रह गया और ऐसा लग रहा है कि बादल हमसे नीचे हैं और हम हैं बादलों के ऊपर। यहाँ पर हमको एक गांव मिल गया है, सुंदर सा गांव। पर खेतों में कितना अच्छा हरा धनिया हो रखा है। यहाँ पर टमाटर की भी बहुत ही सुंदर खेती हो रखी है। लेती हूँ। अभी कितना दूर है और है क्लास? 2 घंटे लगेंगे। मुझे लगा कि मैं इस ट्रैक पर अकेली हूँ। पहला पड़ाव पार कर लिया है तो हमारे साथ वाले तो सब निकल गए हैं आगे आगे। हम 2 पड़ोसी बस एक चढ़ाई और क्रॉस करनी है जो कि है बहुत ज़्यादा खतरनाक। एक झटका और रह गया। ये वाली घास को जानते हो? तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। कैलाश की कठिन चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। भयंकर खाई है नीचे को। जरा भी अगर मिस्टेक हो गई तो जा सकते हैं नीचे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू व्लॉग में। मैं हूँ जानकी जैसी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो कल आपने देखा होगा मेरा यहाँ तक का व्लॉग जो कि मैंने यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया था। तो भयंकर बारिश के बीच हम लोग यहाँ पर फंस चुके थे। उसके बाद JCB आया, जैसे तैसे रोड सही करी, उसके बाद हम आगे को बढ़े। और बहुत भयंकर मौसम हो गया था, ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हम गिर न जाएं करके। तो बहुत ही डरावनी मौसम था और भयंकर तरीके से हम लोग जैसे तैसे पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो वहाँ जा कर फिर हम लोग थोड़ा सूख भी गए थे, क्योंकि बारिश जो है वो बंद हो गई थी। यहाँ पर काफ़ी शोर हल्ला गुल्ला हो रहा था और भजन कीर्तन करते हुए हम लोग जा रहे थे और चिल्लाते हुए बच्चे काफ़ी डर रहे थे क्योंकि मौसम भी ख़राब था और नीचे भयंकर खाई हो रखी थी, जिसको देख के भयंकर डर भी लग रहा था और मुझे भी डर लग रहा था। तो मैं यही बोल रही थी कि मेरे तो 2 बच्चे घर में हैं और पतिदेव भी हैं, 2 बच्चे मेरे साथ में हैं, तो काफ़ी डर लग रहा था मुझे। उसके बाद जैसे तैसे हम पहुँच ही चुके थे अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कैलाश के प्रथम द्वार पर। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कैलाश के लिए और ट्रैक शुरू हो गया है हमारा। तो पीछे लोग हैं, काफ़ी लोग आगे चल चुके हैं। तो अभी हम पैदल चल के यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पर हमको एक गांव मिल गया है, सुंदर सा गांव है। और यहाँ से हमको पता नहीं कहाँ जाना है क्योंकि कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पहाड़ियाँ सब ढकी हुई हैं। और जैसे लोगों में नज़र आता था कैलाश पर्वत दिखाई देता था, लेकिन आज सब बंद है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर खेतों में कितना अच्छा हरा धनिया हो रखा है, हरा हरा, बहुत ही सुंदर धनिया हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से इसको उखाड़ के ले जाए। अभी कितना दूर है और है क्लास? हाँ, 2 घंटे लगेंगे चढ़ने में। अभी और ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर को। बाबर, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने आंटी से पूछा कि अभी कितना दूर है कैलाश, तो आंटी बोल रही है अभी तो कुछ भी नहीं आए हो, अभी 2 घंटा और आपको चलना होगा। तो देखो क्या करते हैं, बोले बाबा मैं आज जा पाती हूँ कैलाश या बीच नहीं रुक पाती हूँ। यहाँ पर टमाटर की भी बहुत ही सुंदर खेती हो रखी है और आजकल टमाटर 100 रुपये KG चल रहा है हल्द्वानी में। और यहाँ पर देखो कितने मस्त टमाटर लगे हुए हैं, मज़ा आ गया इनको देख के। एक सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, खतरनाक वाली, और इसके पीछे और कितनी पहाड़ियाँ हैं पता नहीं अभी तो। कल मैंने सूट लिया था नया अपना यहाँ आने के लिए, पूरा सूट ख़राब हो गया है। ये आप कलर देख सकते हैं, पिछौड़े का कलर लग गया है इसमें। और ये है आदि कैलाश गेट। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अभी और यहाँ से हमारा ट्रैक खतरनाक वाला स्टार्ट होने वाला है। जय महादेव, जय भोलेनाथ। अब आ गया है खतरनाक वाला ट्रैक। प्रभु, मुझे लगा कि मैं इस ट्रैक पर अकेली हूँ, लेकिन काफ़ी लोग अभी पीछे भी दिखाई दे रहे हैं और मेरे बच्चे मुझसे आगे चले गए, मैं पीछे हो जा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। और कल मैंने ये सूट लिया था, पूरा ख़राब हो चुका है। और सूट तैयार किए थे वो भी पहन के लाई, और ऐसा लग रहा है कि बादल हमसे नीचे हैं और हम हैं बादलों के ऊपर। ये देखिए, पहला पड़ाव पार कर लिया है हम आधे रास्ते में, पता नहीं आधा रास्ता है क्या है। फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, बैटरी डाउन चली है, 28% बची है, तो पता नहीं पूरा ब्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो करते हैं आगे का ट्रैक कंटिन्यू, बने रहें आप।
तो हमारे साथ वाले तो सब निकल गए हैं आगे आगे, हम दो पड़ोसी हम दो जने जा रहे हैं आराम आराम से चाय पीते बातें। मेरे को भी कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है, आराम से जा रही हूँ। बच्चे तो निकल गए हैं आगे और मैं इनके साथ आराम आराम से ट्रैक कर रही हूँ। जल्दीबाजी में थकान भी हो जाती है और मेरे बस का भी नहीं है। मैंने कहा भोले का आदेश होगा, दर्शन हो ही जाएंगे। बस बस दर्शन तो हो जाएंगे, आज कोई टेंशन नहीं है। शिवरात्रि के दिन होती है भीड़ और एक अंकल जी भी आ रहे हैं यहाँ पर। आओ मेरे को दो, थोड़ा मैं ले जाऊंगी। कोई भारी थोड़ी है? भारी नहीं है, ये देखो ना, किलो भी नहीं है, वेट नहीं है। जा पाएंगे? नहीं तो नहीं जाएंगे। और है फाइनली पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में, बस थोड़ा और होगा। आज सब बादलों की वजह से कोई भी पहाड़ी सही बात। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ का नाम क्या है बेटा, कुछ पता है? अब खड़ी चढ़ाई होने वाली है हमारी, और आज मौसम की वजह से दिख नहीं रहा है मंदिर, नहीं तो यहाँ से थोड़ा धुंधला धुंधला हाँ पर टावर जैसे कुछ दिख रहे हैं मंदिर के। लेकिन अब हमको बिल्कुल ख़तरनाक चढ़ाई करनी है। नीचे आप खाई देख सकते हैं, भयंकर तरीके से, बहुत ही भयंकर खाई है। जो गिर गया समझो भाई वापस नहीं आएगा। तो ये बेटे भी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई कैसा लग रहा बताओ तो जरा? बढ़िया लग रहा है, मजे आ गए ना? आगे महादेव की कृपा है, हमें बुलाया यहाँ। सही बात है, बस एक चढ़ाई और क्रॉस करनी है जो कि है बहुत ज्यादा खतरनाक, और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वो भी हम पार कर ही लेंगे जैसे तैसे। बच्चे भी मेरे आगे निकल गए हैं, मैं सिर्फ बुढ़े भाडो लोगों के ही साथ हूँ और इनके साथ भी जाना जरूरी है। देखो सब भागते हैं आगे आगे, तो इन लोगों के साथ भी चलना चाहिए। अभी है आदि श्री कैलाश महाशक्ति पीठ सौजन्य से जिला पंचायत नैनीताल। एक झटका और रह गया, इस झटके को करना है क्रॉस, यही है खतरनाक वाला झटका। ऊपर टॉप में जो दिख रहा है बस वहीं हमने जाना है। तो दोस्तों ये है किलमोड़ों का पेड़, आजकल तो किलमोड़ लगे नहीं है पर ये पेड़ कितना भयंकर हो रहा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कैलाश की कठिन चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। ये वाली घास को जानते हो? इसको ना कपड़े धोने में यूज किया जाता है पहाड़ों में, इसका वो निकलता है झाग बनता है इसका। बहुत सारी घासें ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ यहाँ पर, इसको पधड़ू बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों इतनी सारी घास हैं जिनको मैं यहाँ पर जानती हूँ और इसको तुषारू बोलते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप में दोस्तों, और मेरे साथ अंकल जी बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं, और यहाँ से पूरा हल्द्वानी का दृश्य दिख रहा है। अभी कोहरा छट गया है थोड़ी बहुत, और हम अभी इतनी ऊंचाई में हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ से पूरी नीचे खाई है, भयंकर खाई है नीचे को। जरा भी अगर मिस्टेक हो गई तो जा सकते हैं नीचे। फाइनली दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं कैलाश में, आदि कैलाश तक पहुँचने वाले हैं। बस 10 मिनट का ट्रैक और रह गया है। यह पूरा हल्द्वानी शहर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, देखने लायक हो रहा है हल्द्वानी शहर, बहुत ही सुंदर अद्भुत यहाँ से दिख रहा है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में जय भोले की हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन भोले की शक्ति ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। जय भोले। Thank you.
फाइनली दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं और हम वापस हो रहे हैं। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ फिर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय भोले। तो फाइनली बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, सोचा नहीं था कि ऐसे दर्शन भी हो पाएंगे करके। मन तो है, ट्रैक है भी नीचे को भी, लेकिन हम नीचे को बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि डाउन है नीचे को, और लेकिन है खतरा है ना, डाउन में थोड़ा गिरने का डर रहता है। तो ऐसा है नीचे को दोस्तों, ये देखिए पूरा खतरनाक रास्ता है नीचे का रास्ता, देखिए